अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं इसका टाइटल है भाई इंडिपेंडेंस डे सुपर रैली। ये भाई इस इंडिपेंडेंस कार रैली है भाई। अच्छा, सुपर कार रैली भाई। तो देखते हैं भाई वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू।
तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो आपने देखी भाई, हमने तो बहुत भाई एंजॉय किया। सुपर कार देखी भाई, सुपर मोटर बाइक देखी भाई। ये है कि कार तो थी तो एक दूसरे से भाई बढ़कर तो ना खत्म होने वाली थी भाई। इतनी कार निकल आई थी बंबई में क्योंकि इंडिपेंडेंस डे था। तो भाई ने वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग बनाई है। दो तीन दिन से हो गए हम तो इस वीडियो का सोच रहे थे कि बनानी है, लेकिन आज मूड बना, हमने वीडियो बना दी और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। बनाई भी बहुत मुश्किल से है, लेकिन बात की जाए तो भाई इंडिया कम और मुश्किल भाई से भाई क्यों बनाई है, मुश्किल भाई से जिसने बनाई है वीडियो। अच्छा अच्छा बात करना। अच्छा मैं मुझे लगा कि आपने काफी मुश्किल से बनाई है, लेकिन भाई दुबई से काम नहीं लग रहा था। दुबई वाले भी सोचते होंगे भाई, वही आपको बोल रहा हूँ कि इंडिया कम और दुबई ज्यादा लग रहा था, क्योंकि इधर हम देखने को मिलती है ज्यादातर दुबई में ऐसी कारें, क्योंकि पाकिस्तान में तो शायद है ही नहीं भाई। पाकिस्तान का नाम लिया करो, क्यों का है, थोड़ी बहुत है इधर, एक आधी है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। जो लेकिन ये सारी महंगी कारें थी,
एक बार ये गवर्नमेंट अफोर्ड करती है या खुद गवर्नमेंट ने ना पैसे देने हैं कारें खरीदो भाई ना एक रैली निकालने के लिए शायद इसकी सपोर्ट हो नहीं कुछ और हो क्योंकि ऐसी जो शायद कुछ बीच में ओल्ड गाड़ियां भी आई थी ना जो कि अभी मतलब लोगों के अपने पास होती है ना लोगों के अपने भाई शौक है उनके पास पैसा है वो लगाते हैं भाई शेख तो नहीं ना बन के रहते दुबई वाले शेख ने ये किधर शेख बोलते हैं जो भाई पैसे नहीं लगाते उनको शेख बोलते हैं जमा करते रहते लेकिन हैं रैली अच्छी थी इंडिपेंडेंस डे के हवाले से लेकिन मैं यहाँ पे आपको अपना सिनेरियो बताऊं जो यहाँ पे जो कार रैलियां निकलती हैं ना उसके ऊपर किस तरह होता है कि उन्होंने जो ऊपर छत होती है ना उसके ऊपर एक कम्प्लीट परचम के साथ उन्होंने ना उसको ढका होता है और उसके अलावा उसकी जो फ्रंट जो है ना वो स्क्रीन से आगे फ्रंट जो होती है उसके ऊपर भी उन्होंने जो है ना वो एक फ्लैग जो है ना वो करवाया होता है बैक तो वो जब रैली निकलती है तो उसका बहुत प्यारा समा और हर गाड़ी के दोनों साइडों के ऊपर बैक साइड पे ना एक परचम इस साइड पे और एक परचम जो है इस साइड से वो बांधा होता है बड़े बड़े परचम लेकिन क्योंकि हमने वो इस दफ़ा देखी है इस जो है ना वो अपने सिटी में जो है ना वो जा रहे थे लोग उसमें तकरीबन कोई 15 से 20 गाड़ियां थी और वो इस तरह लेकिन इधर वो तो एक नॉर्मल गाड़ी थी रैली तो बहुत अच्छी थी लेकिन अगर फ्लैग यूज करते ना हर गाड़ी पर या फ्लैग उन्होंने लगाए हुए थे लेकिन जो मैं अपने लिहाज से बात कर रहा हूँ जो हमने इधर देखे वो ज्यादा जो है ना वो मजा आता था अगर हर गाड़ी के ऊपर होता इस तरह बना होता वो एक लाइन बनी होती तो वो एक अखीरी नजारा लैन बनाते तो वो लैन ही भाई इतनी लंबी हो जानी थी देखे ना कि भाई कितनी कार थी बहुत ज्यादा भाई कार थी महंगी कारें हैं वो बड़े लेवल की हैं बिल्कुल भाई वो थोड़ा सा हो जाता है लेकिन ये कि उन्होंने अच्छी रैली फिर भी निकाली है बिल्कुल भाई काफी मजेदार रैली थी अब मोटरसाइकिल लास्ट पर आई वो हमने देखी कि भाई एक दूसरे से बढ़कर वो थी लेकिन ये है कि भाई काफी अच्छी रैली थी ऐसे ही लग रहा था कि दुबई के रोडों के ऊपर भाई चल रही है कारें खैर बिल्कुल भाई तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिनिमम 1000 जरूर कीजिएगा अल्लाह।